हमारे चैनल सैनी स्टूडेंट एजुकेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, सैनी स्टूडेंट एजुकेशन में मैं आशीष सैनी आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले के 3 वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेक्चर नंबर 4। ये जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले ये जो टाइपिंग है ये खोल रखी है इंसर्ट में। तो आज हम सीखेंगे लिंक्स, ये तीनों रेफरेंस। तो सबसे पहले आता है हमारा हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक किस काम आता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आपको अपने कंप्यूटर से या इंटरनेट से लिंक करनी है, उसे आप कैसे लिंक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है टू गेट माई रिज्यूम क्लिक हियर, यानी कि मैंने यहाँ रिज्यूम नीचे तक लिखने की बजाय मैंने क्या है एक अलग फाइल बनाई हुई है रिज्यूम की, और मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ मेरा रिज्यूम ऑटोमेटिकली खुल जाए, तो मुझे इसके लिए उस फाइल को यहाँ लिंक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे हाइपरलिंक पर। हाइपरलिंक में मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ पर कि मेरा रिज्यूम सेव है। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, ये आशीष सैनी नाम से जो रिज्यूम है इसको मैं जैसे ही क्लिक करके और ओके करूँगा तो ये देखिए ये नीले कलर का हो गया है। अब आप इसको अगर वो रिज्यूम खोलना है तो आप क्या करेंगे, जस्ट कंट्रोल दबाएंगे और क्लिक हियर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए ये बता रहा है कि डी में रिज्यूम के अंदर आशीष सैनी डॉक्यूमेंट एक फाइल है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि आप क्या आप उस फाइल को खोलना चाहते हैं, यदि आप यस करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी और नो करेंगे तो ये केवल एड्रेस दिखाकर कट जाएगा। तो मैं देखिए उस फाइल को खोलना चाहता हूँ तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और ये देखिए ये मेरा जो रुजूम है वो खुल के आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप से लिंक बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई भी चैनल या कुछ भी जो है आपका इंटरनेट पर उसको लिंक करना है तो उसको हम कैसे लिंक करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं अपना लिंक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं वेबसाइट लिंक की कॉपी कर लूँगा। अब मैंने अपने लिंक के एड्रेस की कॉपी कर ली और मैं क्लिक हियर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगा और जस्ट ये एड्रेस जो दिया हुआ है इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा और ओके कर दूँगा तो ये मेरा लिंक बन चुका है। अब मुझे उस वेबसाइट पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट कंट्रोल दबाऊँगा और क्लिक हियर पे क्लिक करते ही देखिए मेरा चैनल खुल जाएगा। ये देखिए ये मेरा चैनल खुल चुका है। तो आप इस तरीके से किसी भी चीज़ का आप लिंक बना सकते हैं अपने डेस्कटॉप के माध्यम से या इंटरनेट पर भी आप अपना लिंक बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे आता है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क क्या काम आता है, जैसे कि हम किताब पढ़ रहे हुए हों और हमें मान लीजिए 8-10 पन्ने पढ़ने के बाद अगर हम चाहें कि हमने तो यहाँ तक पढ़ लिया है तो हम क्या करते हैं, जस्ट पेन से क्लिक कर देते हैं या कुछ निशानी उसमें छोड़ देते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हमने यहाँ तक ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब इसी तरह इसमें काम आता है बुकमार्क। मान लीजिए ये मेरे 5 पन्ने हैं और इसमें से 2 पन्ने मैं पढ़ चुका हूँ, मान लीजिए यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, मान लीजिए मुझे यहाँ से पढ़ना है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे बुकमार्क पे जाऊँगा। मैं इसका कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसका नाम देता हूँ लर्न, ठीक है, और मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। ऐड करते ही मेरा बुकमार्क बन चुका है। अब मान लीजिए मैंने ये कर्सर यहाँ पे या यहाँ पे या मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, अब मुझे चेक करना है कि मेरा बुकमार्क कहाँ पर था तो मैं जस्ट बुकमार्क पे क्लिक करूँगा और लर्न देखिए लर्न वाले पे जाऊँगा और जैसे ही मैं गो टू पे क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक ये जो है शो पर पहुँच चुका है। देखिए ये देखिए यहाँ पर शो पर जो है ऑटोमेटिक पहुंच चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप बुकमार्क बनाकर इसका यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक नहीं कई बुकमार्क बनाने हैं तो आप जस्ट मान लीजिए अब मुझे एजुकेशन के बाद में पढ़ना है तो मैं यहां जाऊंगा लिंक पर और मैं यहां पर अब नाम दे दूंगा एजुकेशन। ऐड करते ही एक और बुकमार्क बन गया हुआ एजुकेशन नाम का। तो अब देखिए हम इसको चेक करते हैं, देखिए एजुकेशन वाला है और जैसे ही मैं गो टू करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, यानी ये बता रहा है कि ये आपको एजुकेशन से पढ़ना है। यानी अब आपने बुकमार्क लगाना सीख लिया। अब मान लीजिए आपको बुकमार्क हटाना है तो आप क्या करेंगे, जस्ट एज इट इज कहीं पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे बुकमार्क पे जाएंगे और जैसे ही जैसे लर्न वाला बुकमार्क आपको डिलीट करना है तो लर्न पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डिलीट वाला जो ऑप्शन है इस पर डिलीट करेंगे और ये देखिए डिलीट हो चुका है। अब आपको एजुकेशन वाला भी डिलीट करना है तो आप इस तरह डिलीट पर जाएंगे और डिलीट एजुकेशन वाला बुकमार्क भी डिलीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के लिए आपको कुछ इमेजेस चाहिए होंगी जो मैंने पहले ही नीचे ले रखी हैं। मान लीजिए ये आपके 8, 10, 12 जितने भी पेज हैं उसमें से आपको कुछ इमेज को रेफरेंस देना है तो आप कैसे देंगे,
आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, राइट एंड क्लिक करेंगे और इंसर्ट कैप्शन जो लिखा हुआ है इस पर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो नाम आए तो आप इस पे से क्लिक हटाएंगे तो फिगर वन नाम से आपका ये आ चुका है। और आप चाहते हैं कि आपको ये नाम देना है तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ फोटो, ठीक है, फोटो वन। अब मैं इसका नाम देता हूँ फोटो, ओके, और जस्ट मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसका फोटो, ओके। अब मैंने इसमें फोटो वन टू थ्री नाम इनको दे दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको क्रॉस रेफरेंस करूँ, तो क्रॉस रेफरेंस के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे यहाँ पे टू रीच माई चैनल और टू गेट माई रिज्यूम पे क्लिक हियर लिखा हुआ है, इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से नीचे और यहाँ पे लिखूँगा टू गेट माई इमेज, टू गेट माई इमेज क्लिक हियर, और जस्ट मैं इसको एक अलग कलर दे दूंगा ताकि ये अलग ही दिखे। तो मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ जिससे कि ये लगे कि हाँ कुछ ऐसा है। और मैं यहाँ पे इसको जैसे क्लिक करूँगा हेयर पे कुछ सेलेक्ट करके और यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में क्रॉस रेफरेंस पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए फिगर नाम से जो है आपका, वैसे यहाँ पे कुछ भी क्लिक होगा तो ये दिखाएगा नहीं, यहाँ पे क्या है आपका फिगर जो है ये सेलेक्ट होना चाहिए। और फिगर में देखिए ये तीन फोटो जो हमने अभी कैप्शन किए थे वो आ चुके हैं। और यहाँ से भी आप देखिए ओनली लेवल एंड नंबर, ओनली कैप्शन टेक्स्ट, पेज नंबर से ना होकर एंटायर कैप्शन पे क्लिक होना चाहिए। और आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे, आपने जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वन फोटो नाम से जो था वो आ चुका है। अब आप चाहते हैं सेकेंड भी लिंक हो तो सेकेंड पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो सेकेंड फोटो भी आ चुका है, और थर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए थर्ड फोटो भी आ चुका है, और जस्ट इसको क्लोज कर देंगे। अब मान लीजिए मुझे सेकंड नंबर की इमेज पे जाना है, मुझे नहीं पता सेकंड नंबर की इमेज कहाँ है, तो जस्ट मैं कंट्रोल दबाऊंगा और फोटो के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए ये हमारा दिखा रहा है कि फोटो नंबर टू जो है यहाँ पर है। अब जस्ट मैं देखिए ऊपर जाऊंगा और जस्ट मैं फोटो नंबर थ्री को देखना चाहता हूँ तो देखिए मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल दबाकर और ये मेरा फोटो नंबर थ्री पे पहुंच चुका है। तो इस तरीके से ये जो लिंक्स हैं ये बहुत ही जरूरी और कामगार सिद्ध होते हैं जब आप किसी बड़ी फाइल को बना रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज को एक एक चीज को बार बार डिस्क्राइब करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसको क्लिक हियर का एक लिंक बनाकर आप जो भी चाहें उसका लिंक बनाकर वहां रख सकते हैं जिससे कि आपको उसमें बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। तो इस तरीके से जो तीनों ऑप्शन हमने लिंक में देखे हैं ये बहुत ही काम के हैं जिससे कि आपको बहुत सहूलियत होगी। आप इसकी खूब दवा के प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।